हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा करना। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम साजा कराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको इल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ कि इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए बहुत सी शायरी की। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी जिनमें मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गिलहरी, माँ का ख्वाब और परिंदे की फरियाद शामिल है। इल्लामा इकबाल ने शायरी के अलावा तालीम में भी खूब तरक्की की। इन्हें मीर हसन और टॉमिस जैसे आला उस्तादा मिले। इल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा जिसे कायदे आजम ने पूरा किया। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में तालिबे इल्मों को नसीहत की है कि वो अनथक मेहनत करें। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तारीख के औराक में जो नाम सुनहरी अल्फाज में रकम है उनमें एक नाम इल्लामा इकबाल का भी है। इल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। उनका मिजार बादशाही मस्जिद लाहौर में वाकई है।